हेलो एवरीवन, सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ आईपीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ 2021 ईयर. सो क्वेश्चन नंबर 21, फिलाडेल्फिया कॉलर रिस्ट्रिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग नेक मूवमेंट. जो फिलाडेल्फिया कॉलर है वो कौन कौन सी नेक मूवमेंट्स को रोकती है. सो जो फिलाडेल्फिया कॉलर होती है वो एक रिजिड सर्वाइकल कॉलर होती है, ठीक है. ये एक रिजिड सर्वाइकल कॉलर होती है एंड ये सारे ही मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है क्योंकि रिजिड है वो. सो मूव करने ही नहीं देगा नेक को. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द मूवमेंट्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज All of the following are complications associated with a fracture except. इनमें से जो जो बता रखी हैं वो जो जितने भी complications हैं वो फ्रैक्चर से associated इनमें से कौन सी नहीं है, मतलब इनमें से किसका relation fracture के साथ नहीं है वो हमें बताना है. So Volkmann's ischemic contracture जो है वो humerus के फ्रैक्चर के साथ ये देखा जाता है. ऑस्टियोमायलाइटिस भी जब फ्रैक्चर होता है सो ब्लड के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्ट होता है एंड वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है. एंड जो फैट एम्बोलिज्म है ये भी जब हिप, मोस्ट कॉमनली हिप एंड पेल्विक फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर्स में फैट एम्बोलिज्म देखने को मिलता है. एंड जो क्रश सिंड्रोम होता है सो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से देखा जाता है, ठीक है. कंपार्टमेंट में अगर आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ गया या कंप्रेशन हो रहा है स्ट्रक्चर्स के, उसकी वजह से नर्व जो है उसमें कंप्रेशन की सेंसेशन आती है, उसी को बोलते हैं क्रश सिंड्रोम. सो आंसर इज डी, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द फ्रैक्चर. क्वेश्चन नंबर 23, A 45-year-old male is unable to extend his knee due to capsular tightness. To restore joint range of motion, you will give which of the following mobilization? So, knee में problem है 45-year-old male में, वो अपनी knee को extend नहीं कर पाते capsule की tightness की वजह से. So, जो knee है उसमें जो tibia है वो एक कॉनकेव उसकी आर्टिकुलर सरफेस होती है. सो इसमें वो ग्लाइड एंड स्लाइड सेम साइड करता है. सो हम क्योंकि हमें एक्सटेंशन बढ़ाना है, ठीक है, तो एक्सटेंशन आगे की तरफ बढ़ता है एंड जो फ्लेक्शन है वो पीछे की तरफ बढ़ता है. सो हम एंटीरियर ग्लाइड देंगे टिबिया पे एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया होगा, ठीक है. So we will give anterior glide to the tibia and external rotation of tibia. Next question is question number 24. The condition described as Paget's disease is also called. Answer is osteitis deformans. इसमें disruption हो जाता है old bone की, मतलब रिप्लेसमेंट का ओल्ड बोन की न्यू बोन से रिप्लेसमेंट जो है वो ढंग से नहीं होती है. सो इसको पेगेट्स डिजीज भी बोलते हैं या फिर ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस भी बोलते हैं. ओके, सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज कंटिन्यूस. इनमें से कौन सा जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूस है. वैक्स टेम्परेचर ऑफ 3 वैक्स बाथ थेरेपी यूनिट्स इन द पीटी डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ गेट एनालिसिस टेस्ट डन ईच डे बाय द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टाफ इन द डिपार्टमेंट और सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ पेशेंट मेजर ऑन लाइकर्ट स्केल. सो कंटिन्यूस मीन्स सेम. सो जो टेम्परेचर होगा वैक्स बाथ का वो हर पीटी डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सेम होगा, बट जो नंबर ऑफ गेट एनालिसिस जो टेस्ट करेंगे वो डिफरेंट होंगे. हो सकता है किसी का सरकमडक्टरी गेट हो, किसी का सीजनिंग गेट हो,
किसी का स्पास्टिक गेट हो, सो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हर एक डिपार्टमेंट के अलग हो सकते हैं, एंड सेटिस्फेक्शन लेवल भी हर पेशेंट का अलग अलग हो सकता है. सो जो कंटिन्यूस है वेरिएबल वो है ए, वैक्स टेम्परेचर. सो ए क्वेश्चन नंबर 26. द शैक प्रोस्थेसिस इज डिफाइंड एज, सो इट इज सॉलिड एंकल कुशन्ड हील. सो इट्स फुल फॉर्म इज सॉलिड एंकल कुशन्ड हील. क्वेश्चन नंबर 27. द प्रोवोकेटिव टेस्ट फॉर पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम इंक्लूड. सो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए जो प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? सो सबसे पहले तो पेरिफॉर्मिस के लिए हिप फ्लेक्शन करते हैं, देन एडक्शन करते हैं, और फिर इंटरनल रोटेशन करते हैं. सो दैट इज़ द पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम प्रोवोकेटिव टेस्ट. और अगर उसमें पेन आता है सो दैट मीन्स कि पेरिफॉर्मिस जो मसल है उसकी टाइटनेस हो रही है, एंड उस वजह से जो शियाटिक नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है. सो आंसर इज़ बी, फ्लेक्शन ऑफ हिप, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अर्ली साइन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज. सो सबसे कॉमन जो साइन है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर का वो है डिपेंडेंट एडीमा. सो आंसर इज सी, डिपेंडेंट एडीमा. क्वेश्चन नंबर 26. अ 56 ईयर ओल्ड मेल हैज अ कोलीस फ्रैक्चर. सो कोलीस फ्रैक्चर होता है डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर. सो 2 months अगो ये हो रहा है, एंड मैनेज्ड विद ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन. और ये ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन के साथ हो रहा है मैनेजमेंट इसका. एट प्रेजेंट ही हैज़ माइल्ड स्वेलिंग अराउंड द डोर्सम ऑफ द हैंड. और जो पेशेंट है जो कि 56 ईयर ओल्ड है उसके डोर्सम पे बैक साइड ऑफ द हैंड में स्टिफनेस है, स्वेलिंग है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मोडालिटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बिफोर मोबिलाइजेशन. मोबिलाइजेशन से पहले सबसे अप्रोप्रिएट मोडालिटी होती है पैराफिन वैक्स पाथ. सो आंसर इज सी. ओके सो क्वेश्चन नंबर 31. मिसेस एक्स अ 45 ईयर ओल्ड फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेड सेकेंड स्पोंडाइलोलिस्थेसिस. शी कंप्लेन्स ऑफ लो बैक पेन. स्पोंडाइलोलिस्थेसिस हैं एंड वो लो बैक पेन की कंप्लेन करती है विद रेडिएशन टू बोथ ग्लूटियल रीजन्स तक पेन आ रहा है. सो कौन सी रिजीम एक्सरसाइज है जो हम उनको फॉलो करेंगे, फॉलो करने के लिए बोलेंगे. सो जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्ट्रेचिंग ऑफ लो बैक एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो उनकी टाइटनेस हो जाती है इसमें, एंड वीकनेस हो जाती है एब्डोमिनल्स की, क्योंकि मोस्टली जो फीमेल्स होती है वो उनमें थोड़ा वेट ज़्यादा देखा जाता है, जिससे कि एब्डोमिनल्स वीक हो जाती हैं एंड बैक एक्सटेंसर्स टाइट हो जाती हैं. सो बैक एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग कराएंगे एंड एब्डोमिनल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड द मोबिलिटी एक्सरसाइज बी स्टार्टेड इन अ हेमोडायनेमिकली स्टेबल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक पेशेंट. सो जो मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं वो एक हेमोडायनेमिकली स्टेबल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक के पेशेंट में कब शुरू करवाएंगे? सो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी मीन्स अपर लिम्ब इज मोर अफेक्टेड देन द लोअर एंड द फेस, लोअर लिम्ब एंड द फेस. सो हम विद इन 24 to 48 hours ऑफ स्ट्रोक हम मोबिलिटी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवा सकते हैं.
सो आंसर इज ए. द प्राइम एनर्जी सोर्स फॉर एक्टिव मसल इज. सो एक्टिव मसल के लिए जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन. आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 34. वेंचुरी इज अ. सो वेंचुरी इज अ हाई फ्लो फिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस. सो वेंचुरी एक हाई फ्लो फिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है. आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी. इनमें से कौन सी जो है मेडिकल इमरजेंसी नहीं है. सो मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी, बट ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस फॉलोइंग ट्रॉमा एंड माइस्थेनिया क्राइसिस, सारी मसल वीक हो गई हैं एकदम, एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस, सीवियर फॉर्म ऑफ द एपिलेप्सी दैट कैन बी लीथल. ओके, एंड सो इसमें आंसर आएगा डी, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी. ये एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन बाकी सब मेडिकल इमरजेंसी हैं. क्रोनिक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36. चॉइस ऑफ कैथेटर साइज फॉर एंडोट्रेकियल सक्शनिंग डिपेंड्स ऑन. सो जो सक्शनिंग के लिए हम कैथेटर लेते हैं उसका साइज किस पे डिपेंड करता है. आंसर इज इंटरनल डायमीटर ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब. सो बी ऑप्शन इज राइट. एंडोट्रेकियल ट्यूब के इंटरनल डायमीटर पे डिपेंड करता है कैथेटर साइज. नेक्स्ट इज ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 37. ड्यू टू फोर्सफुल इन्वर्जन एंड प्लांटर फ्रैक्चर ऑफ द इंजरी, एंकल की इंजरी हो रही है, फोर्सफुल इन्वर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है. सो लिगामेंट कौन सा मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब होता है. सो आंसर इज ATFL, दैट इज एंटीरो टेलोफिबुलर लिगामेंट, दैट इज ऑप्शन ए. ATFL जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व लिगामेंट होता है एंकल की इंजरीज में. प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीरीज माइनर मसल इज. सो ये जो वर्क करती है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ आर्म में ये हेल्प करती है विद इंफ्रास्पाइनेटस. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब अ बोनी फ्रैक्चर. इनमें से कौन सा जो फ्रैक्चर है वो एक बोनी फ्रैक्चर को डिटरमाइन नहीं करता है. सो सुपरफिशियल इज नॉट अ, ये किसी भी बोनी फ्रैक्चर को डिटरमाइन नहीं करता है, क्योंकि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, स्पायरल फ्रैक्चर होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है, कम्युनाइटेड फ्रैक्चर, हमने सुने हैं ये सब नाम, लेकिन कभी हमने सुपरफिशियल फ्रैक्चर नहीं सुना और ना ये होता है. सो आंसर इज सी सुपरफिशियल. सो क्वेश्चन नंबर 40. वॉट एक्सटर्नल शू मॉडिफिकेशन विड यू प्रोवाइड फॉर अ पेशेंट एग्जिबिटिंग फ्लेक्सीबल सब टेलर वेलगस डिफॉर्मिटी. सो सब टेलर पे वेलगस है, मीन्स इंक्रीज इन एंगल वहाँ पे हो रखा है, ठीक है. सो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे मीडियल हील वेज, ओके, जिससे कि जो सबटेलर वेलगस डिफॉर्मिटी है वो न्यूट्रलाइज हो सके, एंड जो सबटेलस है, सबटेलर जॉइंट है, वो न्यूट्रल पोजीशन में आ सके. सो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने कवर किया है, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे. कोई भी डाउट या क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. एंड वीडियो अच्छी लगी और इस तरह की वीडियो से रिलेटेड अगर जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर, बाय.